ऑर्डर हो गया कंप्लीट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो अभी सुबह के 8 बज रही है और आज का लंच का शेफ है टारा। देखो आज हमारा मास्टर शेफ आज मैं लंच नहीं बना रही हूँ क्योंकि आज कुछ स्पेशल बना रही है बीबी की तरफ से। देखिए फिश एकदम मैरिनेट करके रखा है यहाँ पर, तो आज फिश करी बनाएंगे बीबी। यहाँ पर तेल गरम करके रखा है और यहाँ पर लहसुन को छील रहा है हमारा शेफ जी। मसाला पूरा पीस दिया, कूट कूट के रेडी करके रखा है, कूट के एकदम पाउडर बना के रखा है मसाला पूरा को। अभी आज का मास्टर शेफ रेडी है तो देखते हैं लंच कैसे बनता है। टेस्टी टेस्टी आज फिश करी खाएंगे हम। हेलो गाइस, ये रहा मच्छी। आज मैं मच्छी करी बनाने जा रहा हूँ। इसको मैंने मच्छी और हल्दी और नमक के साथ मिक्स करके इधर रख दिया। तो या तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और मैंने तो नहा लिया है, एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ। तो अभी बेबी का वेट करते हैं, बेबी कैसे बनाते हैं देखते हैं। डीप फ्राई करना है बोला। अच्छा तो करी मसाला रहा, डीप फ्राई छू रहे। अच्छा मुझे नहीं आता मच्छी बनाना, निकल के फिर लगाना पड़ता है। अच्छा तो गाइस देखिए अभी पूरा फ्राई हो चुका है, डीप फ्राई एकदम ब्राउन हो गया, ब्राउन देखो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ब्राउन हो गया। देखो पटका आएगा पटका। तो ये है अभी लास्ट, पूरा हो गया कंप्लीट फ्राई करके। और यहाँ पर बेबी ने प्याज और गार्लिक को रेडी करके रखा है, तो अभी इसका बनाएंगे चटनी करी। अभी थोड़ा रुकेगा, ब्रेकफास्ट करेगा फिर बनाएगा। ब्रेकफास्ट करेगा फिर बनाएगा। अच्छा तो इसको थोड़ा देर ठंडक के लिए रखना है क्योंकि मेरा बेबी को ना भूख लगने से नहीं बैठ सकता है। ब्रेकफास्ट है मैं समझा। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और मैं तो एकदम रेडी हो गई हूँ। ओके गाइस, तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हमारा शेफ जी अभी काम पे जा रही है। देखिए अभी करी बना रहे हैं और इसके अंदर प्याज दे दिया है, अदरक और लहसुन भी दे दिया रहा, अभी तीनों मिला दिया है। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी और वीडियो एडिट हो चुका है, अभी मैंने अपलोडिंग पे रखा है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो अपलोडिंग हो रहा है और यहाँ पर है ना खिड़की के पास थोड़ा नेटवर्क अच्छा आ रहा था, कल परसों अच्छा आ रहा था, लेकिन आज पता नहीं क्यों नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। किचन के अंदर भी फास्ट चलता था लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, उधर भी नहीं चल रहा है इधर भी नहीं चल रहा है। और मैंने दोबारा एक दिन का जीबी भी डाल दिया है तो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, नेटवर्क बहुत स्लो है। यूट्यूब वगैरह और इंस्टाग्राम वगैरह पूरा चल रहा है लेकिन मेरा वीडियो जो है ना वो अपलोडिंग होने में बहुत टाइम लग रहा है पता नहीं क्यों। तो अभी मैं वीडियो अपलोडिंग का इंतज़ार कर रही हूँ, देख रही हूँ बार बार कि हो रहे कि नहीं, वहीं पर ही अटक गया है। बीबी का फिश करी का रेसिपी, अभी इसके अंदर मसाला पूरा डाल दिया है बीबी ने, लाल मिर्च। और जब भी बीबी ने एक मसाला कूटा था ना कच्चा मसाला, ये देखो ये भी डाल रहे बीबी ने, डाल दिया ना ये वाला, हो गया पूरा मसाला डाल दिया है बीबी ने इसके अंदर। अभी टमाटर भी डाल दिया है, वाव खुशबू आएगा, स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू खुशबू आ रही है बहुत अच्छा।
नमक दे दिया है। तो गाइस देखिए हमारा करी जो है एकदम पक गया है। अभी बीबी ने इसके अंदर पानी डाल के 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखा था। तो अभी देखो एकदम करी, देखो ग्रेवी बन गया है रेडी। तो अभी इसके अंदर जाएंगे फिश। तो ऐसा है रेसिपी, आज बेबी की तरफ से सीख लिया मैंने कैसे बनता है फिश करी। अगर आपने ना फिश करी कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं खाया था, मैं फिश ना ड्राई खाती थी, यू नो ऐसे फ्राई वाला खाती थी, लेकिन जब से बीबी के साथ हूँ ना तब मैंने ये फिश करी फर्स्ट टाइम खाया और बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो अगर आपने टेस्ट नहीं किया तो जरूर एक बार टेस्ट कीजिए और फिर आपको पता चलेगा कितना टेस्टी है, फिर आप बार बार खाने का मन करेगा। तो इसलिए यार अभी देखो हमारा फिश करी रेडी। अभी इसके अंदर थोड़ा पानी जाएंगे ना, हल्का सा पानी डालेंगे, थोड़ा ग्रेवी को रसा, थोड़ा रसा मांगता है इसलिए। मेरे साथ बैठ के क्या क्या खाया तुम? बहुत कुछ खाया। नहीं खाता था, अभी क्या खाया मेरे साथ? बहुत कुछ खाया। पहले ना मैं सब्जी नहीं खाती थी, एक भी मुझे सब्जी पसंद नहीं है। तो अभी इनके साथ रह के ना मैं सब्जी पूरा खाती हूँ, अभी सिर्फ करेला को छोड़ के बाकी पूरा खाती हूँ। और मशरूम भी मैंने फर्स्ट टाइम बीबी के साथ बैठ के खाया, तो वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी था। तो अभी फिश करी, ये करेला खिलाने का बहुत कोशिश किया लेकिन मानता नहीं है। करेला तो ना बाबा ना, करेला तो जिंदगी में नहीं खाऊंगी मैं। इतना कड़वी है, बापरे। और गाइस जब भी मैंने बोला था ना कि मेरा नेट स्लो चल रहा है, यूट्यूब का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, तो मैंने दोबारा स्विच ऑफ करके फिर से ऑन किया, तब जाके अभी अपलोड हो चुका है। तो गाइस देखिए हमारा फिश करी बन गया है, वाव यम्मी। आज का लंच तो माशाल्लाह एकदम खुशबूदार फिश करी बन गया, पूरा खाली हो गया देखो। फिश करी का स्मेल दिखने से तो बहुत टेस्टी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छा है। अभी खा के देखेंगे कि कितना टेस्टी बनाया है, ठीक है ना? लेट्स गो। दुकान चलते हैं और मेरा वीडियो भी अपलोड हो गया है, तो चलो। पेट्रोल खत्म होने वाला है, मैं बीच रास्ते पे उतर गया। बाइक का पेट्रोल खत्म होने वाला है बोला बेबी ने, तो रास्ते पे ना रुक रुक के जा रहा था। उतारने के लिए बोला मुझे, पेट्रोल जरूर दे चौमासा, जरूर दे। तभी वे पेट्रोल लू देश से चौ दे लगा से शेल हाँ शिन सो तो चौक देगा गाँव ना तो ऐसे एक्सीडेंट छे जो तेरा एक्सीडेंट मंगू छीत। चलो अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, कैसा है, खुश है? हाँ खुश हूँ, खुश हूँ सर। चलो ये देखो मेरा बैठने का जगह। चलो बाय बाय। अभी हम दोनों जाएंगे मार्केट में बैटरी देखने। बाइक से आने वाला था, मेरा हाथ में थोड़ा पेन हो रहा है इधर। कहाँ पे? इधर भैया हमको ना इनके लिए ना एक बैटरी लेना है। बैटरी? हाँ इनके लिए ना एक बैटरी लेना, वो सोलर पैनल से काम देगा, सोलर पैनल से चार्ज होके बताया वो बन जाएगा। वो पूछे थे ना नहीं, ये दूसरा जुगाड़ है, भैया मदद कर रहे हैं इसके लिए। नहीं तो तुम्हारे पास भी क्या होना, बैटरी क्या करना? बैटरी और वो सूर्य प्लेट, सूर्य प्लेट तो उसके पास उनके बैटरी, आप बता दें कौन सी। उससे चार्ज हो जाएगा ना, सोलर प्लेट से बैटरी चार्ज हो जाएगा ना। बोला ना इनको मैं मिलाया था ना।
हो जाएगा। कितने वाट की लेना बोल रहे, तो कितने वाट से चार्ज होगा? वो कि प्लेट अलग बड़ी लेना पड़ेगा बोले, अगर बड़ी बैटरी लेंगे हमारा टाइमिंग। भैया थोड़ा बैटरी दिखा ना प्लीज। मैंने बड़ी वाली बोला था, वो पंखा नहीं चलाना, ये इतनी बड़ी अगर बैटरी आएगी इस टाइप का, ये वाली एक 80 एम पे वाली, तो उसमें वो 88 एम पे आएंगे। अभी हम दोनों सोलर पैनल देखने जाते हैं। दुकान बंद हो चुका है, लेट हो गया हम दोनों। मेरा एक YouTube चैनल है, इनको दिखाया था मैंने YouTube पे, तो मेरा एक सब्सक्राइबर ने इनको एक बैटरी ले कर दे बोला ना, तो हम बैटरी देख रहा था सर। बैटरी सोलर पैनल के साथ चार्ज करने वाला हो मिलेगा? तो गाइस अभी हम दुकान में आ गए, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले मैंने आपको बोला था ना कि लाहौर वाला कपल है ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और एक दीदी है जो उन्हें मदद करना चाहते हैं। तो कल है ना बीबी और भैया गए थे बैटरी ढूंढने के लिए, तो कल मेन बैटरी जो है ना वो चंद्रपुर से आते हैं, तो चंद्रपुर में जो दुकान है ना वो आया था यहाँ पर कचुगिल में, तो भैया और बीबी गए थे बात करने के लिए। तो कल है ना जो US से दीदी जो है ना उन्होंने पैसा भेज दिया है बैटरी खरीदने के लिए, तो अभी बीबी हम दोनों जा रहे हैं बैटरी को ऑर्डर करने के लिए। तो ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कब आते हैं, और अगर आ गया तो हम इसको सरप्राइज देंगे कि आ गया तुम्हारा बैटरी करके। और वो लाहौर वाला कपल जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और वो बार बार आ रहे थे हमारे दुकान में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, दीदी ने क्या क्या बोला है, कुछ बोला है करके बार बार आ रहा था। यू नो एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि किसी को भी होता है ना जब ज़रूरत के टाइम पे कोई मदद करने आते हैं तो सब लोग खुश हो जाएंगे ना, तो इसलिए वो बार बार आ रहे थे। तो अभी बीबी हम दोनों जा रहे हैं बैटरी ऑर्डर करने जा रहे हैं ना। हाँ मांगी मसाला, धूप। तो अभी चलते हैं बैटरी ऑर्डर करने, यहाँ पास में ही है हमारा दुकान के सामने ही है। अभी है ना हमने लोअर वाले भैया को ये नहीं बताया कि दीदी ने पैसा भेज दिया है करके ना, क्योंकि दीदी ने कल रात भेजा था, रात को 11 बजे समथिंग भेजा था, तो जब हम रूम में थे तब भेजा, तो अभी हमने लोहर वाले भैया को नहीं बताया है। तो अभी ऑर्डर करके जब आएंगे ना तब उसको सरप्राइज करेंगे। तो ये रहा दुकान बैटरी वाले भैया का, ये बॉटल लेके भाग जाते लोग। बॉटल लेके भाग जाते हैं, बॉटल बांध के रखा है, नहीं तो बॉटल चोरी होता है। आज कर देंगे तो कल या परसों में आ जाएगा, देर मत करो यार, ठीक है? तो आप अपनी तरफ से पूरा शूटिंग कर दीजिएगा। तो कल परसों आ जाएंगे। बात ऐसी है, आ गया तो कल आ जाएगा, मैं तो फिर सोम संडे को जो है ना, संडे को सबको छुट्टी रहती है, संडे को मुश्किल रहता फिर। ज़्यादा देर मत करवा बेचारा, उनका एक दिन पहले आया तो एक दिन का काम जल्दी होता है, एक दिन देर किया तो उनका दिक्कत पड़ता, वो बुढ़ी माँ है ना उसका। खर्च हुए सर टोटल बैटरी खोरन चुक बैटरी द पैनल ला 16,630 रुपए का, और ये है 16,630।
16,630 प्लस क्या है उसमें वायर है आपने जो उनको बताया था उसका, और ये एक है कंट्रोलर, चार्ज कंट्रोलर 18,050 तो ये दिख रहे है। और इसमें क्या आएगा और से जो कुछ भाड़ा वाड़ा लग जाएगा वो ठीक है। 12 तो वो कंपनी वाला छोड़ के देता है ना, कोई भी सामान तो इधर तक नहीं देता बाबा, नहीं देता सब ला। अभी मेरा मैं खुद लेके आया तो अभी ये 12 कितना लगता है इसके ऊपर जो भी लगेगा आपको दिखा दूंगा बिल्टी ठीक है। मतलब कितना जा रहा है 18,050 रुपये ये सिर्फ सामान का? ये इसका सामान का 18,050 सामान का ठीक है। कोई एडवांस दूं कि अब विश्वास है ना मेरा दुकान इधर ही है मैं भागने वाला ना आप भागने वाले ये फिर करवा दो है आज अभी ऑर्डर करवा दो, हो सके तो शाम तक आए तो बहुत ठीक, नहीं तो कल तो नहीं आएंगे। एक बार बात करूं तो भैया को बात कर दे उससे, उसको बताना ही पड़ेगा ना। वो जो कल का जो दिए थे ना अपन ने तो वो सेट होना था लुमिनस की बैटरी पैनल और एक वो चार्ज कंट्रोलर और केबल का पूरा एक बंडल डाल दो आप ठीक है। ओ डिलीवरी चार्ज कितना है? जो भाड़े का लगेगा वही लगेगा, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। भाड़े का कितना लगता है? आइडिया आपके हो तो 300 रुपये तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि दो डाग आएंगी वैसे कहाँ से, चंद्रपुर से आएगा ना? चंद्रपुर से भी आ सकता है या वनी से भी आ सकता है, उनके दो शॉप है तो कहाँ से डिलीवरी करते हैं उसके हिसाब से वो आएगा। ठीक है भैया, कब पहुँचे कब निकलेगा बोलो वहाँ से आज वो तो बता देंगे अभी मैं देखता हूँ कल मिल जाए इस हिसाब से और मैं एक बार ठीक है जी जी थैंक यू। 18,050 तो गाइस हमने ऑर्डर कर लिया है बैटरी और सोलर पैनल और वायर और कंट्रोलर, तो ये चार सामान के लिए 18,050 हो गया है। अभी देखते हैं डिलीवरी चार्ज कितना है और फिटिंग वाला चार्ज कितना है देखते हैं। तो हमने ऑर्डर कर लिया है और वो शायद कल नहीं तो परसों आएंगे, आज तो नहीं आएंगे बोला, तो कल नहीं तो परसों आएंगे। तो या ऑर्डर हो गया कंप्लीट, अभी वो भैया बहुत खुश होंगे लोहार वाले भैया। कल मेरे पास तीन बार आया बार बार आ रहे हो बेचारा, खुश हो गया ना तो इसलिए कब मिलेगा करके बहुत खुश हो गया बेचारा। किस्मत खुल गया, किस्मत उसका। मदद करो गरीब इंसान को, पुण्य मिलेगा, पुण्य जरूरत इंसान पुण्य पुण्य कल पुण्य आ रहा मर्द पुण्य पुण्य मिलेगा।